हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी चैनल। आज का टॉपिक है अल्गार मॉर्टिस, जो कि फॉरेंसिक मेडिसिन और टॉक्सिकोलॉजी का टॉपिक है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एफएमटी का। थर्ड ईयर में अभी आने लगा है, पहले सेकंड ईयर में आता था। और ये एग्ज़ाम में, ये कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं, चाहे लॉन्ग में चाहे शॉर्ट में। अगर शॉर्ट में पूछा जाएगा तो इसी के अंदर जो हम पार्ट पढ़ेंगे, जैसे फैक्टर अफेक्टिंग या कुछ भी हम पढ़ेंगे, तो उससे पूछ लिया जाएगा। नहीं तो अगर लॉन्ग में पूछा जाएगा तो ये पूरा ही हमें लिखना है। और ये टॉपिक, और एक अलगर, जैसे अलगर मॉर्टिस है, एक लिवर मॉर्टिस है और एक राइगर मॉर्टिस है, ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। तो एक एक करके हम वीडियो डिस्कस करते हैं। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप सारी चीज़ और नोट्स वगैरह सब आप लिख सकते हैं, या फिर नोट्स हमसे हैंड रिटन ले सकते हैं। उसके लिए आपको चैनल की मेम्बरशिप लेनी होगी। और अगर वीडियो पसंद आती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अल्गार मॉर्टिस, अल्गार का मतलब होता है कोल्डनेस और मॉर्टिस का मतलब है आफ्टर डेथ, मतलब बॉडी की कूलिंग होती है डेथ के बाद। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी बॉडी का नॉर्मल ओरल टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है। जब हम मेजर करेंगे टेम्परेचर को तो हम ओरली करते हैं, ठीक है। तो जब ओरल टेम्परेचर लेंगे तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर हम रेक्टल टेम्परेचर लेंगे तो वो मोर देन 0.5 डिग्री सेल्सियस होता है देन दी ओरल, मतलब इसमें प्लस 0.5 कर देंगे तो वो रेक्टल टेम्परेचर होता है। तो ये आइडल टेम्परेचर है, ये नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है, ठीक है। अब डेथ के बाद क्या होता है कि डेड बॉडी का टेम्परेचर धीरे धीरे कम होने लगता है, ठीक है, कम होता चला जाता है। जब वो और जब तक कम होता है, जब तक वो सराउंडिंग टेम्परेचर के आसपास ना आ जाए, या फिर सराउंडिंग टेम्परेचर तक ना आ जाए, ठीक है। आफ्टर डेथ टेम्परेचर ऑफ बॉडी डिक्रीजेस प्रोग्रेसिवली अंटिल इट रीचेस द एम्बियंट टेम्परेचर। एम्बियंट मतलब सराउंडिंग टेम्परेचर, ठीक है। अब क्या है, फॉल ऑफ टेम्परेचर इज ड्यू टू टू रीजन। अब ये जो टेम्परेचर है वो किस वजह से कम हो रहा है, मतलब कूलिंग किस वजह से हो रही है। तो आफ्टर दैट देयर इज़ नो हीट जनरेशन ड्यू टू द लॉस ऑफ फिजिकल केमिकल मेटाबॉलिक एक्टिविटी। जब डेड बॉडी में कोई फिजिकल एक्टिविटी, केमिकल एक्टिविटी या मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो ही नहीं रही है तो हीट का लॉस तो अपने आप ही होगा। अब मतलब हीट जनरेट कैसे होगी जब वहाँ पर कोई एक्टिविटी चल ही नहीं रही है, तो ठीक है। अब क्या है, देयर इज़ कॉन्स्टेंट लॉस ऑफ बॉडी हीट अंटिल इट कम्स टू द लेवल ऑफ एनवायरमेंटल टेम्परेचर एज हीट रेगुलेटिंग सेंटर गेट इनएक्टिव ड्यू टू द डेथ। अब क्या है, बॉडी में कोई चीज़ होती होगी जो बॉडी को हीट प्रोवाइड करती है, जो बॉडी को हीट गर्म रखती है, ठीक है, तो उनको बोलते हैं हीट रेगुलेटिंग सेंटर। वो यहाँ पर इनएक्टिव हो जाते हैं डेथ की वजह से। अब यहाँ पे लॉस ऑफ हीट अकर फ्रॉम सरफेस बाय थ्री मैकेनिज्म। ये लॉस ऑफ हीट सरफेस से हो कैसे रही है, एक कंडक्शन मेथड है, एक कन्वेक्शन मेथड है, एक रेडिएशन मेथड है। कंडक्शन में क्या होता है कि बॉडी किसी ऑब्जेक्ट के डायरेक्ट कांटेक्ट में आकर हीट ट्रांसफ़र कर रही है, जैसे कि इंटरनल ऑर्गन। इसका एग्जांपल क्या है, इंटरनल ऑर्गन। कन्वेक्शन का जो मेथड है, मतलब वो कैसे हीट लूज़ कर रहा है, ट्रांसफ़र ऑफ हीट अकर थ्रू मूविंग एयर करेंट एडजेसेंट टू दी बॉडी। अब क्या है, जो बॉडी के आसपास एयर करंट होगी, मतलब जो एयर होगी उससे बॉडी कूल होगी। बॉडी के ऊपर से जो हवा मूव कर रही है, ठीक है, आसपास के सराउंडिंग में जो हवा मूव कर रही है उससे बॉडी कूल होगी। रेडिएशन क्या है, रेडिएशन से कैसे होगा, एनवायरनमेंट में इंफ्रारेड रेज होती है, उसकी वजह से हीट ट्रांसफ़र होती है बॉडी से, ठीक है। अब आते हैं रेट ऑफ कूलिंग, किस तरीके से कूल हो रही है। देखिए ये ग्राफ आता है, ये ग्राफ शॉर्ट क्वेश्चन में भी आता है, बाकी लॉन्ग में अगर आता है तो आपको ये बनाना है, ठीक है। तो ये सिग्मोइड शेप कर्व बनता है और इसमें टेम्परेचर वर्सेस टाइम सिंस डेथ हम इसको मेजर करते हैं, ठीक है। तो ये रेट ऑफ कूलिंग का ग्राफ है।
अब हम आते हैं फैक्टर अफेक्टिंग द कूलिंग ऑफ द बॉडी। ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से बॉडी कूल होती है? एक तो एटमॉस्फेयरिक टेम्परेचर ही हो गया, सराउंडिंग का टेम्परेचर। ठीक है, जब एटमॉस्फेयर और बॉडी का टेम्परेचर डिफरेंस होगा तो उसके हिसाब से बॉडी का टेम्परेचर फॉल हो गई होगा। ठीक है, रेट ऑफ बॉडी टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिफरेंस बिटवीन टेम्परेचर ऑफ डेड बॉडी एंड एनवायरमेंटल टेम्परेचर। ठीक है, तो सराउंडिंग और बॉडी के टेम्परेचर, उसको मतलब सराउंडिंग का टेम्परेचर और बॉडी का टेम्परेचर दोनों बराबर हो जाते हैं। ठीक है, मीडिया ऑफ डिस्पोजल, अब उसके मीडियम पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, कि कहाँ पे बॉडी रखी हुई है। रेट ऑफ कूलिंग बॉडी डिफर्स अकॉर्डिंग टू द मीडिया ऑफ डिस्पोजल। ठीक है, तो क्या है कि डिफरेंट मीडियम में बॉडी डिफरेंट टाइम में कूल होती है। अब जैसे वाटर में क्या है, वाटर में वो जल्दी हो जाएगी, एयर या बरीड बॉडी में वो धीरे धीरे होगी। ठीक है, मतलब वाटर में अगर हम बॉडी को रख देंगे तो वो बहुत जल्दी कूल होगी इन कंपैरिजन टू दी एयर एंड ग्राउंड। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्टिमम कूलिंग मतलब सबसे पहले वाटर मीडिया में कूल होगी और फॉलोड बाय एयर ग्राउंड और फिर बॉडी बरीड इन द ग्राउंड। तो क्या है कि वाटर मीडियम में तो सबसे पहले होगी, फिर एयर में, फिर ग्राउंड में, फिर कहाँ पे, जब बॉडी को सॉइल के अंदर डाल दिया जाएगा या फिर बुरी कर दिया जाएगा तो वहाँ पे वो लेट कूल होगी, मतलब वहाँ पे हीटिंग ज़्यादा रहेगी। अब क्या है, एक होती है चीज़ कैस्पर डिक्टम, रेशियो फॉल ऑफ द बॉडी टेम्परेचर इन थ्री मीडिया, मतलब इसमें रेशियो बताया गया है। तो इसमें वाटर में सबसे ज़्यादा रेशियो है और फिर एयर में, फिर ग्रेव में, मतलब सॉइल में। तो यही इंडिकेट करता है कि सबसे पहले बॉडी कूल वाटर में होती है। अब आते हैं बॉडी बिल्ट। अब जो ओबीज लोग होते हैं, ओबीज लोग में जो बॉडी है वो स्लो कूल होगी क्योंकि वहाँ पे जो फैट जो है वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, तो फैट की वजह से वो बॉडी लेट कूल होगी। थिन बिल्ट पर्सन लूजेस हीट रैपिडली देन द फैटी पर्सन बिकॉज फैट एक्ट एज अ इंसुलेटिंग कवर रिटेन हीट फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन। अब आते हैं एज और सेक्स पे, फोर्थ फैक्टर है एज और सेक्स। ये फैक्टर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं आपको सारे, मतलब कुछ नहीं तो आप एज जो पिंक में लिखे हुए हैं आप हेडिंग तो याद कर ही सकते हैं, उसके अंदर आप खुद ही बना के लिख सकते हैं। एज एंड सेक्स में क्या है, मैक्सिमम हीट लॉस सबसे पहले इन्फेंट में होगी, मतलब सबसे ज़्यादा इन्फेंट में हीट लॉस होगा जल्दी, और फिर चिल्ड्रन में, फिर एडल्ट में, क्योंकि लार्जर बॉडी सरफेस एरिया की वजह से। तो क्या है, इन्फेंट में हीट लॉस मैक्सिमम होगा चिल्ड्रन और एडल्ट के कंपैरिजन में क्योंकि बॉडी सरफेस एरिया ज़्यादा होता है। अब आता है मिनिमम हीट लॉस फीमेल्स में होता है कंपेयर टू दी मेल्स, क्योंकि वहाँ पे मोर फैट होता है, मतलब ज़्यादा फैट होता है, तो उसकी वजह से फीमेल की बॉडी जो है वो लेट कूल होती है। अब आते कूले वो क्लोथिंग पे। ठीक है, क्लोथिंग में क्या है, क्लोथिंग हुई कपड़े और प्रोटेक्टिव गेयर जैसे कि स्वेटर जैकेट, ये क्या है, ये हीट को लॉन्गर टाइम तक, लॉन्गर ड्यूरेशन तक बनाए रखते हैं, जिसकी वजह से बॉडी जो है वो लेट लेट कूल होगी। ठीक है, जो कूलिंग का जो रेट है वो स्लो होगा। अब आते हैं एयर मूवमेंट पे। एयर मूवमेंट में क्या होता है कि बॉडी के आसपास ज़्यादा हवा होने से भी बॉडी की कूलिंग पर वो इफ़ेक्ट करता है। ठीक है, एयर इफेक्ट करती है। अब पोजीशन एंड पोस्चर ऑफ द बॉडी, ओवर स्ट्रेच बॉडी लूजेज मोर हीट, मोर सरफेस ऑफ द बॉडी इज एक्सपोज। तो क्या होता है कि अगर बॉडी सुपाइन एक्सटेंडेड पोजिशन में है तो बॉडी जल्दी ठंडी होगी क्योंकि सरफेस एरिया वहाँ का ज़्यादा है। अब आते हैं कॉज ऑफ डेथ पे। तो कॉज ऑफ डेथ, रेट ऑफ कूलिंग इज स्लो इन द डेड बॉडी ऑफ हेल्दी देन द डिसीज्ड। हेल्दी इंडिविजुअल की बॉडी जो है डिसीज बॉडी के कंपैरिजन में लेट कूल होती है। ठीक है, अगर कोई इन्फेक्शियस कंडीशन है जैसे कि सेप्टिसीमिया हुआ, बैक्टीरीमिया हुआ, तो क्या होता है कि उनकी बॉडी भी स्लो कूल करेगी क्योंकि वहाँ पे इन्फेक्टिव ऑर्गेनिज्म मतलब वहाँ पे रिएक्शन कर रहे होंगे तो उससे हीट प्रोड्यूस होती है। ठीक है, अपने टॉक्सिन रिलीज कर रहे होंगे तो वहाँ पे हीट जनरेट होती है, तो उसकी वजह से जो बॉडी है वो स्लो कूल होती है। अब देखते हैं कि है ना टेम्परेचर को रिकॉर्ड कैसे करते हैं रेक्टम रीजन में और सब हेपेटिक रीजन में। तो एनस के अवर 4 inches के, मतलब एनस के 4 inches ऊपर हम उसको मेजर करेंगे, और एक सब हेपेटिक रीजन मतलब लिवर के नीचे। अब आते हैं वेरिएशन इन बॉडी टेम्परेचर एट डेथ। तो क्या होता है कि बॉडी टेम्परेचर जो डेथ के बाद है वो अलग अलग
तरीके से वेरिएट होता है, जैसे लो टेम्परेचर एट द टाइम ऑफ डेथ ड्यू टू दी कॉलेरा, हाइपोथर्मिया और सीसीएफ, ठीक है, कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर. तो अगर हाई टेम्परेचर होगा डेथ के टाइम पर तो वो किसकी वजह से हो सकता है? कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग, कोरोनरी थ्रोम्बोसिस, हीट स्ट्रोक, हैमरेज, इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है. अब आते हैं पोस्टमार्टम कैलोरीसिटी. ये भी एक टॉपिक है जो कि इम्पॉर्टेंट है और एग्जाम में आता है शॉर्ट में. वाई कन्वेंशन बॉडी टेम्परेचर स्टार्ट फॉलिंग आफ्टर दी डेथ. मतलब नॉर्मली क्या होता है के बॉडी का टेम्परेचर गिरना चाहिए, मतलब स्लो वो कूल, मतलब कूल होनी चाहिए. तो लेकिन कुछ केसेस में क्या होता है कि बॉडी टेम्परेचर रिमेन रेज्ड फॉर फर्स्ट 2 आवर्स एंड सो. देखिए नॉर्मली हमें पता है कि डेथ के बाद बॉडी कूल करती है, कूलिंग होती है बॉडी की. लेकिन कुछ केसेस में क्या होता है कि वो बॉडी टेम्परेचर जो है वो बढ़ा ही रहता है फर्स्ट 2 आवर तक, या फिर कहें उससे और ज़्यादा तक. एग्जाम्पल है इसके पोस्टमार्टम ग्लाइकोजेनोलाइसिस और कॉज ऑफ डेथ. देखिए ग्लाइकोजेनोलाइसिस इसमें इसलिए है क्योंकि अब बॉडी मतलब बॉडी का कुछ भी मेटाबॉलिक रिएक्शन नहीं चल रहा है, कुछ भी एक्टिविटी नहीं हो रही है, तो वहाँ पे ग्लाइकोजन टूट रहा होगा, तो उसकी वजह से भी कुछ कैलोरीज मतलब प्रोड्यूस होती है, तो उसकी वजह से बॉडी हीट रह सकती है, ठीक है. इसका मतलब एक कारण ये भी हो सकता है. अब आते हैं कॉज ऑफ डेथ पे. तो कॉज ऑफ डेथ में क्या है, जैसे कि कोई इन्फेक्टिव कंडीशन हुई, जैसे कि सेप्टिसीमिया हुआ या फिर बैक्टीरीमिया हुआ, तो वो क्या होता है कि बॉडी जो मतलब बॉडी का टेम्परेचर उस टाइम पे बढ़ जाता है क्योंकि वहाँ पे उनकी एक्टिविटीज़ चल रही होती है, टॉक्सिन रिलीज होता है, तो वहाँ पे आप है ना माइक्रो में पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये बॉडी वो हीट प्रोड्यूस करते हैं जिसकी वजह से बॉडी हीट रहती है, ठीक है. तो उसकी वजह से हम कह सकते हैं कि कुछ कंडीशंस में ये कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जिसकी वजह से बॉडी कूल होने की बजाय 2 घंटे 3 घंटे तक हीट रहती है. मतलब उसमें कुछ इन्फेक्शन या फिर कोई और कारण हो सकता है. मस्कुलर एक्टिविटीज़ होती है डेथ के बाद जो कि बैक्टीरिया प्रोड्यूस करते हैं. अब आते हैं मेडिकल, अब आते हैं कि कंडीशन कौन सी है, जैसे कि सेप्टिसीमिया. सेप्टिसीमिया में क्या मैकेनिज्म है, वो हीट प्रोड्यूस करता है. इन्फेक्शियस डिसीज़ में भी वो हीट प्रोड्यूस करेगा. सनस्ट्रोक हुआ तो उसमें जो हीट रेगुलेशन सेंटर है वो डिस्टर्ब हो जाता है जिसकी वजह से बॉडी कूल नहीं होती, हीट ही रहती है, ठीक है. एक है पॉन्टाइन हैमरेज. पॉन्टाइन हैमरेज में भी हीट रेगुलेशन सेंटर जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है. टिटनेस में मस्कुलर एक्टिविटी की वजह से हीट प्रोड्यूस होती है, ठीक है. तो अब आते हैं मेडिको लीगल इम्पॉर्टेंस पे. ये साइन ऑफ डेथ है. TSD इससे एस्टिमेट कर सकते हैं. TSD मतलब टाइम सिंस डेथ. अर्ली कूलिंग ऑफ बॉडी डिलेज प्रोसेस ऑफ राइगर मॉर्टिस एंड रिटार्ड डिकम्पोजिशन. अब क्या है कि अगर जल्दी कूलिंग होती है बॉडी की तो क्या होगा, वो राइगर मॉर्टिस को डिले कर सकता है. मतलब राइगर मॉर्टिस क्या होता है, स्टिफनिंग होती है बॉडी की. तो अगर जल्दी कूलिंग हो जाएगी तो बॉडी की स्टिफनिंग नहीं होगी और उसकी वजह से डिकम्पोजिशन भी, जो बॉडी डिकम्पोज होती है वो भी लेट होगी. तो ये था आपका अल्गार मॉर्टिस. नेक्स्ट है हमारा लिवर मॉर्टिस या फिर राइगर मॉर्टिस. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, आपको मेरा काम अच्छा लगा है, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही इम्पॉर्टेंट और एग्ज़ाम में आने वाले टॉपिक्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें. थैंक यू सो मच.